और ब्रेक के बाद अगली खबर है डिमना की, जहां डिमना डैम के विस्थापितों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए पुनर्वास की मांग की है। वे मछली पालन केज कल्चर हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। आज बड़ाम प्रखंड से लालम और मोटा पंचायत के डिमना विस्थापित परिवार जो वहाँ मत्स्य समिति है, उनकी समस्या है सरकार द्वारा मत्स्य विभाग द्वारा वहाँ मछली छोड़ा गया मत्स्य समिति के पालन के लिए, जिससे उनकी रोजी रोटी चल जाए। वहाँ एक टेम्पोरारी जाल बना के सरकार ने हमें दिया है समिति को, और जिससे मत्स्य पालन करके वो अपनी जीविका का उपार्जन कर सके, क्योंकि जीरा हर साल दिया जाता है सरकार की तरफ और डैम के काफ़ी गहराई में चली जाती है और उस मछली को पकड़ नहीं पाते हैं हमारे मत्स्य समितियाँ। तो बहुत ही मतलब इंटीरियर एरिया में तालाब के एक कोने में हम लोगों ने सरकार के द्वारा दिए हुए जो जाल है उसको एक कोने में केज टाइप का बनाया, एक टेम्पोरारी केज, जिससे मछलियां जो बड़ी होगी वो अंदर ना चला जाए और उसको हम लोग पकड़ के उसका हम लोग लाभ ले सके। तो चूंकि जिसको द्वारा काफी प्रेशर बनाया जा रहा विभाग के ऊपर, हमारे ऊपर, कि आप उसको उठा रहे। नगर निगम जमशेदपुर में पंचायत क्षेत्रों को शामिल करने के विरोध में मुखिया संघ द्वारा उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने के विरोध में लोग मांग करने आए हैं। कितने ऐसे पंचायत है जहाँ जिसको आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि नगर निगम? जमशेदपुर प्रखंड में 55 पंचायत है, उसमें से 3-4 को छोड़ के सभी पंचायत को मतलब नगर निगम में शामिल करने का जो लिस्ट निकाला है तो उसको देख के हम लोग ये मांग करने आए हैं यहाँ कि पंचायत क्षेत्र को नगर निगम में ना शामिल किया जाए, क्योंकि ये राजस्व ग्राम है और यहाँ बहुत सारे आदिवासियों का बहुल क्षेत्र है और वहाँ हम लोग का आदिवासी का जो परंपरा व्यवस्था है, माझी मुंडा मानकी मुंडा का जो व्यवस्था है नगर निगम बनने के बाद वो लुप्त हो जाएगी और हम लोग का जो अस्तित्व है आदिवासियों का ये खत्म हो जाएगा। शिकार पर्व के अवसर पर वन्य जीवों के शिकार से ध्यान हटाने के लिए आसनबड़ी में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल के 3 कर्मचारी अरविंद गोप, विक्रम करजी और सुनील कंडुन्ना, चाय दुकानदार आलोक रंजन, चालक मणिकांत सिंह के साथ इनोवा वाहन से सुफल साई से सराय किला की ओर संध्या करीब 5 बजे घूमने जा रहे थे। आयुक्त कार्यालय से वाहन आगे बढ़ते ही तेज रफ्तार पकड़ लिया। वाहन की तेज रफ्तार पकड़ते ही चालक का संतुलन बिगड़ गया। ज्यों ही चालक मणिकांत सिंह ने ब्रेक लगाकर वाहन को कंट्रोल करना चाहा, उसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर 3 बार पलटने के बाद घर से टकरा गई। हालांकि वाहन के पलटने से अन्य लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन वाहन में सवार सभी लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वाहन के क्षत विक्षत स्थिति को देखकर आप दुर्घटना का सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इनोवा जैसी वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी तो ऐसे फिल्म दुनिया की जैसे किस तरफ से आ रहा था गाड़ी? किधर से आ रहा था गाड़ी? गाड़ी उधर से ही आता है, उधर से ही आता है। चाइबासा तरफ से? उधर से बहुत जोर से आ रहा था। अच्छा। उधर से ब्रेक मारा। हाँ। ब्रेक मारा तो ऐसे के ऐसे टर्निंग पूरे मैंने घुमाया है ना, जब से रोड जब छोड़ा ये तो दम करके गिर गया। दम करके गिरा और 2-3 पलटी मारा उसको भी उछल के इधर गाड़ी पलटी और यहाँ दीवार में जस्ट मारा, पीछे तरफ से मारा, ये थोड़ा साइड से मारा, करने के बाद ये डॉक्टर मारने के बाद फिर उधर फिर 2 पलटी उसको गाड़ी सीधे। कितना जन था गाड़ी में? 5 जन था, ड्राइवर लेके। चाईबासा में डीपीएस स्कूल प्रबंधन की शिकायत लेकर ग्रामीण डीसी के पास पहुंचे। वे कब्रिस्तान की भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप प्रबंधन पर लगा रहे थे। अटका महातुंग पंचायत के ग्रामीण आज मुफस्सिल थाना पहुंचे और शिकायत की। उन्होंने प्रशासन से कब्रिस्तान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि डीपी स्कूल के संचालक दीपेंद्र प्रसाद साहू द्वारा कब्रिस्तान जमीन पर जबरदस्ती अतिक्रमण करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार उन्हें मना किया गया लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। अलबत्ता दीपेंद्र प्रसाद ग्रामीणों को ही धमकी दे रहे हैं। एक ग्रामीण हेमचंद्र दास का कहना है कि 7 एकड़ 66 डिसमिल जमीन शमशान की है, इसमें तांती गोप और तमाड़िया जाति के लोगों का शव दफनाया गया है। दीपेंद्र प्रसाद साव द्वारा शमशान की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हद तो यह है कि जिन जगहों पर शव दफनाए गए हैं
वहां बुलडोजर चलवाकर समतल करवा दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी अतिक्रमण रोकने जाते हैं हमें धमकी दी जाती है, हमें जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया गया तब हमने पुलिस प्रशासन की मदद लेने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि डीपीएस पब्लिक स्कूल के संचालक दीपेंद्र प्रसाद साव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। अपने राजनीतिक पकड़ के बल पर वह ग्रामीणों पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कब्र पर बुलडोजर चलाकर हमारी आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रशासन अवैध निर्माण पर रोक लगाए और हमें हमारी जमीन वापस दिलाए।